थॉट्स चलते हैं, बार बार ब्रह्मा का वृत्ति बनाते हैं, फिर भी वहाँ तक न पहुँचते थॉट्स आते हैं, और इन थॉट्स को कैसे रोका जाए? थॉट्स को रोकने में ही ध्यान चला जाता है। ये जो मेडिटेशन बोलते हैं ना, सचमुच तो जो आप बोलते हैं मैंने पंखे की स्विच चालू की मगर पंखा शुरू ही नहीं हो रहा है, तो स्विच गलती होनी चाहिए, समझ में आता है ना? तो ये सचमुच मेडिटेशन है ही नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन है। मेडिटेशन तो अलग चीज़ है, ये कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि व्यग्रता हो गई है, अस्थिरता हो गई है, इसके लिए स्थिरता की दवा लगाते हैं। व्यग्रता हो गई है, इसके लिए एकाग्रता की दवा लगाते हैं। तो एकाग्रता का प्रयत्न कर रहे हैं और मन अस्थिर हो गया है, इसको स्थिर करना चाहते हैं। क्योंकि विचार वो मन का धर्म है, मन विचार 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 करते ही रहता है। तो मन का धर्म को मन के धर्म में रहने दो, मगर आप खुद अपना धर्म ढूंढ लो। मेरा स्वरूप क्या है? तो आप अपने खुद को पहचानते नहीं हैं और मन को बोलते ये चंचल हो गया, इसको स्थिर करने जाते हो, और स्थिर करने की सब शक्ति आपकी बिगड़ जाती है, कुछ फायदा ही नहीं मिलता है। क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है, वो तो कभी स्थिर होने वाला ही नहीं। और आत्मा का स्वभाव ही स्थिर है, उसको एक बार आपकी दृष्टि में आ गया तो आप स्थिरता अनुभूति करोगे। और मन को कितना भी स्थिर करने जाओगे ना, कदाचित 10 मिनट के लिए स्थिर हुआ और बाद में समझ लो 1 घंटे के लिए भी स्थिर किया, 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान किया आप अपनी दृष्टि से और कुछ भी स्थिरता किया, और रूम में से बाहर निकलोगे वापस मन चंचल हो जाएगा। बच्चों को देखा तू टीवी देखते रहता है, पढ़ता नहीं है, तुरंत अपसेट हो जाओगे। तो ये कितना भी, क्योंकि क्या हो जाता है, मन को कंट्रोल करते हैं एकाग्रता करने से, ध्यान सच्चा नहीं मगर एकाग्रता करते हैं, और एकाग्रता से उसको बांधा है, वो आधा घंटा 1 घंटा बांधा, जैसे 10 लड़के छोटे बच्चे को एक रूम में इकट्ठा करके बांध के रखा है, और रूम खोलेंगे तो क्या होएगा, मजा करो तो मन अपना अपसेट हो जाएगा, एकदम डिस्टर्ब करेगा। बोले 1 घंटे का कंट्रोल करिए, बाकी का 18 घंटा 20 घंटा आपको मन डिस्टर्ब करते ही रहेगा। आपको यही लगे कल सुबह शांति से मैं 4 से 6 वापस बैठो और एकाग्रता करो, बस वही आपका रोज का क्रम होते रहेगा। मन का सॉल्यूशन आया नहीं वहाँ तक मन कंट्रोल में आने वाला भी नहीं है। अभी आगे की बात क्या है कि मन को स्थिर करना है। एक बात तो जरूर है कि मन खुद ही चंचल है, वो कभी स्थिर नहीं होने वाला, मगर मन को वश करना है या तो मन का सॉल्यूशन लाना है, तो ये संसार में मन कोई भी प्रकार से कंट्रोल में नहीं आ सकता है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, ज्ञान से ही मन वश हो सकता है। मन को जो कंट्रोल लाना है, जैसे पानी ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे इधर उधर बह जाएगा, तो पानी को बांधना है तो कुछ बर्तन में लगाओ तो पानी गिराने के बाद बर्तन में ही रहेगा, बंधा जाएगा। ऐसे मन को भी बांधना है तो ज्ञान से मन बंधा जाता है, तो मन को बांधना है तो ज्ञान से बंधा जाएगा। अभी तो एग्जांपल ले, आपको समझ लो इतना कुछ सुनने में आया कि 12 तारीख से शुगर शक्कर मिलने वाली नहीं है, तो मन कुछ अपसेट हो जाता है नहीं? कुछ ना कुछ, अरे थोड़ा भर लो नहीं तो कुछ तकलीफ आ जाएगी, कुछ आ जाएगी, 5 किलो 10 किलो भर लो, और बाद में 2-3 घंटा तो चालू हो गया, क्या करेंगे, थोड़ा भर लेंगे इतना, ये नहीं पेट्रोल बंद हो गया मालूम हुआ 12 तारीख के, 5 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलने वाला है, तो कितना हो जाता है? और बाद में मालूम, अरे ये तो जून महीने की 12 तारीख है, तो अभी देर है। तो एक ज्ञान बदली हो गया तो मन डिस्टर्बेंस शांत हो जाता है, और नहीं तो कितनी 12 तारीख तो याद से टेंशन चालू हो जाएगा, जल्दी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, 2 महीने के बाद की 12 तारीख है तो चलो टाइम है अभी, तो यानी मन ज्ञान से बंधा जाता है। और सच्चा ज्ञान नहीं, ये बेन जी बताया ना कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों करता है, तो ये जब तक अज्ञानता है वहां तक मन अपसेट, सारे आप कितना भी ध्यान करो बार बार वो आते ही रहेगा मन में, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों आक्षेप करता है, मेरी क्या गलती है, समाधान नहीं हो पाएगा। और जब सच्चा ज्ञान मिल गया, मन समाधान होके विलय हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी ज्ञान
मुख्य चीज है।